और साफ तौर पर उन्होंने तमाम सारी चीजों का जिक्र किया। एक रिपोर्ट देखिए। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 अपने आखिरी चरण की तरफ बढ़ गया है। ऐसे में कोई भी पार्टी चुनाव जीतने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, और इसी क्रम में अखिलेश यादव ने जौनपुर जिले की पांचों विधानसभाओं में प्रचार किया और बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जमकर घेरा। अखिलेश यादव लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं और जनसभा करते हुए उनके भाषणों में ये तेवर साफ देखा जा सकता है। हमारे किसान भाई है, किसान भाइयों बताओ, आपकी आय दोगुनी हो गई क्या? ये किसान भाइयों, किसान परिवार के हमारे बेटे नौजवान दिखाई दे रहे हैं, बताओ किसी की आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो। इन्होंने कहा था कि इनकी सरकार बन जाएगी तो 2022 तक हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, किसी की आय दोगुनी हुई हो तो बता दो। बीजेपी के लोग घर घर प्रचार कर रहे थे कुछ दिन पहले, इनके बड़े नेता घर घर जाके प्रचार कर रहे थे, घर घर जाकर के पर्चे बांट रहे थे। आपने देखा कि एक नेता पर्चा बांट रहा था कि थूक बांट रहा था? और ये जो गर्मी निकालने वाले हैं हमारे बाबा मुख्यमंत्री, छठवें में तो निकाल ही रहे उनकी भाप, बताओ सातवें चरण में जौनपुर वाले उनकी भाप निकालोगे कि नहीं निकालोगे? ये जो गर्मी निकालने वाले हैं, जब जौनपुर में आएंगे तो अपने आप भाप निकल जाएगी उनकी। जौनपुर के बदलापुर में जनसभा करते हुए अखिलेश यादव ने एक बार फिर से बीजेपी के नेताओं के झूठ बोलने का मुद्दा बनाया और कहा जो लोग कहते थे कि गर्मी निकाल देंगे उन्हीं लोगों की भाप निकल रही है। पहली बार देखने को मिल रहा है कि हर चरण में जो जनता है वो गठबंधन को जिताना चाहती है, और ये जनता में मुकाबला चल रहा है कि कौन ज्यादा सीटें किस चरण में जिताएगा। और लगता तो ये है कि छठवें चरण में तो भारतीय जनता पार्टी के छक्के छूट जाएंगे। इनके नेता पूरे देश के यूपी में आ गए, बताओ यूपी में आ गए कि नहीं आ गए? और जब इनका भाषण सुनोगे तो पाओगे कि इनसे बड़ा कोई झूठ नहीं बोल सकता। इनके नेताओं के भाषण सुनोगे तो आप अपने आप आकलन कर लोगे कि दुनिया की सबसे झूठी पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इनके छोटे नेताओं के भाषण, इनके छोटे नेताओं के भाषण सुनोगे तो छोटा झूठ बोल रहे हैं, और बड़े नेता का भाषण सुनोगे तो बड़ा झूठ बोल रहे हैं। और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। अखिलेश यादव के तेवरों से साफ है कि जनता का मिल रहा अपार जनसमर्थन विश्वास दिलाने के लिए काफी है। 2022 में बदलाव होना तय है और इस बार 10 मार्च को रिजल्ट के बाद बदलाव नजर आने लग जाएगा। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। वहीं बात करें मिर्जा